मध्य प्रदेश के रतलाम में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। यहाँ मंदिर के बाहर गौमांस फेंक दिया गया, जिसके बाद प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। सीएम मोहन यादव की पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपियों को न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि उनकी जुलूस भी निकाली गई और उनके अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिला। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। टीवी स्क्रीन पर दिख रही दोनों तस्वीर हैरान करने वाली है। देखिए, एक तरफ बुलडोजर गरज रहा है जबकि दूसरी तरफ दो आरोपियों का जुलूस निकाला जा रहा है। दल बल के साथ पहुंची पुलिस फुल एक्शन में है। माहौल बिगाड़ने वालों का क्या हश्र होना चाहिए, इन तस्वीरों में देखिए। यहां बुलडोजर गरज रहा है, अवैध करार दिए गए दो मंजिला मकान को जमींदोज किया जा रहा है। सबसे पहले दहाड़ मारते बुलडोजर ने घर की छज्जियों को तोड़ना शुरू किया, फिर मकान के दरवाजों को तहस नहस कर डाला। दो मंजिला मकान का जो भी हिस्सा अवैध था, बुलडोजर ने उसकी एक ही झटके में साफ सफाई कर दी। इस दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल के जवान तैनात दिखे। अब जरा इन तस्वीरों पर भी नजर डालिए। पैरों में पट्टा, हाथ में हथकड़ी और लड़खड़ाते चलते ये वही आरोपी हैं जिन्होंने बीते दिन रतलाम के जावरा में जगन्नाथ मंदिर में मांस फेंका था। घटना मध्य प्रदेश के रतलाम की है, जहां जावरा में शुक्रवार को शरारती तत्वों ने जगन्नाथ महादेव मंदिर में गोवंश का सिर काट कर फेंक दिया था। मामला सामने आने के बाद हिंदू संगठनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पूरा जावरा ही बंद कर दिया था। साथ ही गुस्साए लोगों ने महू नीमच हाईवे पर चक्का जाम कर दिया था। साथ ही लोगों ने गोवंश हत्यारों और माहौल खराब करने वाले आरोपियों के घर को बुलडोजर से ढहा दिए जाने की मांग भी की थी, जिसके बाद भारी पुलिस बल की मौजूदगी में चार आरोपियों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई हुई और हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत की साजिश रचने वालों का परेड भी कराया गया।